भाभी वो देखो क्या हो गया, ये शिल्पा भाभी को क्या हो गया, ये किताबी कीड़ा कब से बन गई है? ओए होए, अब क्या ड्रामे लगाए आपने शिल्पा भाभी? जिमी भाभी आपको ड्रामे लग रहे हैं? आपको पता है कल ना मेरे घर पे कौन आया था? कौन? अरे वो जो कस्तूरी भाभी के घर के पास रहती है ना, मिसेज रश्मि तलपड़े। हाँ, तलपड़े आई थी। बस वो पढ़ाई की अपनी बेटी की तारीफ कर रही थी, कह भी रही थी कि हिस्ट्री में वीक है, तो बस मैं भी शुरू हो गई। मैंने कहा कि हिस्ट्री में मैं ऐसी थी, मैथ्स में ऐसी थी, फिजिक्स में ऐसी थी, और नंबर तो मैं ऐसे रख लेती थी, ऐसे रख लेती थी बस। अच्छा शिल्पा भाभी, फिर क्या हुआ और कितनी डींगे मारी आपने? अभी मीन टू से मतलब वो ये कहना चाहती है कितनी तारीफें की। वही तो टिम्मी भाभी, ये जो तारीफ करना ही तो मुझे महंगा पड़ गया। क्यों? हाँ, अब मैं इतनी तारीफ कर रही थी अपनी पढ़ाई की, और मैंने कहा कि हिस्ट्री में मैं बहुत अच्छी थी, मैथ्स में बहुत अच्छी थी, तो बस फिर क्या था, उन्होंने कहा कि शिल्पा भाभी आप मेरे बेटे को हिस्ट्री पढ़ा देंगी, तो अब इतनी तारीफ कर चुकी थी, मना कैसे करती। तो तब से अकबर शाहजहां, पानीपत की लड़ाई, सब कुछ याद करने में लगी पड़ी। कुछ याद नहीं हो रहा, हाय मैं तो मर गई, पास नहीं गई, खुद ही फंसा लिया। वैसे ना मने के नाम से मुझे ना एक जोक याद आ गया, सुनाइए सुनाइए। पता है हिस्ट्री के टीचर ने चिंटू से पूछा कि अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल ये है कि ब्रूट्स ने जब जूलियस सीजर की हत्या की तो उसके मुंह से आखिरी शब्द क्या निकला? क्या? पता चिंटू ने क्या कहा? क्या निकला? चिंटू ने कहा हाय मार डाला। क्या जवाब दिया चिंटू ने? मार डाला अल्लाह, मार डाला। शिल्पा भाभी आप ना बड़े मजाकी हो। माय गॉड, तुझे पता है जैज ये हिस्ट्री ना बहुत रुलाती है, और मैंने ना हिस्ट्री में बहुत रट्टे मारे हैं, मगर ये इतिहास के चक्कर में ना मेरा फिर से उपहास हो जाएगा। उपहास? वाह, मेरी हिंदी वैसे बड़ी अच्छी है। वैसे टिमी भाभी आपने हिस्ट्री पढ़ी भी है? लगता तो नहीं है। वैसे आपका मजाक कैसे बनता है? अरे शिल्पा भाभी, टिम्मी भाभी पे तो इतना मजाक बनता है, इतना मजाक बनता है कि इन पे तो कोई भी आराम से पीएचडी कर ले। टिम्मी भाभी आपका तो मजाक इतना ज्यादा बनता है, ऐसा कोई दिन बता दो जब आपका मजाक नहीं बनता हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना टिम्मी भाभी, तो जल्द ही इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाएगा आपका कि सबसे ज्यादा बार किसका मजाक उड़ा? टिम्मी भाभी का। दर्ज हो जाएगा ना जब ये मुक्का पड़ेगा ना, तो तुझे दर्द हो जाएगा। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है। आपको पता है शिल्पा भाभी, मैं जस्सी के स्कूल गई। अच्छा। तो उसकी टीचर को मैंने बोला कि मेरी जस्सी कैसी है हिस्ट्री में, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री में बिल्कुल बढ़िया नहीं थी। नो वंडर। तो पता है वो क्या कहती है? क्या बोला? कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बिल्कुल सही तो कहा, इतिहास में जीरो अंडा जो आप पढ़िए, ये किताब पढ़िए। हाँ, इससे शायद से कुछ काम हो जाए आपका, पढ़ो। वैसे हमका ना ऐसा लागत है कि हिस्ट्री ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। अब देखो ना, अकबर ने इतनी अच्छी इमारत बना के दी है हमको, है ना, लाल किला। अब सब कुछ हमको हिस्ट्री से ही तो पता चलता है। इधर आओ, मुझे ये किताब दो। इतिहास की डॉक्टर मेरी कस्तूरी भाभी जो अब बोल रही है ना, वो नहीं है, लाल किला अकबर ने नहीं शाहजहां ने बनवाया। मारो इन्हें, समझ आया आपको? वैसे मैं एक बात बोलूं, टिम्मी भाभी की भी हिस्ट्री वीक है, मेरी भी वीक है, तो अब जब इनकी इतनी वीक है तो चलो जाओ, माफ किया। हिस्ट्री कोई बड़ी डींगे मार रहा था कि टिम्मी भाभी को तो हिस्ट्री नहीं आती। मेरे हिस्ट्री की कहानियों की तरह ना आपकी भी हिस्ट्री जीरो अंडा है। नहीं नहीं देखो, हमका ना ऐसा लागत है ना कि हम सही जवाब दिए हैं। अच्छा कैसे? कैसे? अब देखो भाई, शाहजहां ने बनवाया हो, अकबर ने बनवाया हो, है तो सब एक के फैमिली के ना, तो बात तो एक ही हो गई। ठीक बोले हम, इनका एक ही फैमिली के, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका। भाभी जी, पांच ऐसी फिल्मों के नाम बताओ जो कि इतिहास पे बेस्ड थे, हिस्ट्री पे। मुझे तो जोधा अकबर याद है। जोधा अकबर याद आ रहा है मुझे। हाँ, इससे आगे आप लोगों का दिमाग चलने वाला भी नहीं है। मैं ही बता देती हूँ, मैं ही क्वेश्चन पूछूं, मैं ही आंसर बता देती हूँ। देखो मैं बताती हूँ, पहला हो गया मुगले आजम, दूसरा हो गया जोधा अकबर, मोहनजोदारो, बाजीराव मस्तानी और लगान। लगान? हाँ लगान। अरे हमरी बूढ़ बग जैज, लगान इतिहास पे नहीं बनी थी, वो तो काका दे फिक्शन मूवी थी वो। आप चुप रहिए, मैं एकदम हिस्ट्री में बहुत अच्छी थी, 100-100 मार्क्स आते थे। जैज अगर कह रही है तो सही होगा। और ना अगर आपने मुझसे लड़ाई करने की कोशिश की ना, तो मैं अकबर की सेना लेकर ना चढ़ाई कर दूंगी, मुझसे आप पंगा मत लीजिए। जैज पंगा तो तुम हमसे मत लेना, गणित में ना हम मास्टर थे, मास्टर? तुम्हारी जो सेना है ना, इसका तो हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। पता है फिर क्या होगा? क्या क्या होगा कस्तूरी भाभी?
ये जो आप कह रही है ना जीरो से मल्टीप्लाई, वो तो बात ठीक है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन उस दिन आप दो और दो चार भी नहीं कर पा रही थी, मैथ्स की इतनी तारीफ कर रही है शिल्पा भाभी, दो और दो चार, उस दिन मैं जस्ती को मैथ्स पढ़ा रही थी, इसने क्या बकवास कैलकुलेशन करी, बच्चा नालायक कर दिया मेरा उस दिन उसने। ऐसा बात नहीं है, पप्पू को हम भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तभी जीरो अंडा लेकर आ, तभी तो वो इतना इंटेलिजेंट है नीचे से, तभी तो फर्स्ट आ रहा है ना ये नीचे से ही। हां हां, ये बात तो है।